इंदौर में उपचुनाव के सिलसिले में हुई पत्रकार वार्ता में भाजपा महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम कमलनाथ से लेकर पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष राहुल गांधी सहित राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी करके सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बारे में कहा कि वह राम मंदिर दर्शन करने जाए, राम मंदिर में दर्शन करने से उनके पाप धुल जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव कमलनाथ के अहंकार और जनता से की गई गद्दारी के कारण हो रहे हैं। विजयवर्गीय ने विधायक सज्जन सिंह वर्मा को इशारों में पागल और बच्चा भी बता दिया। इंदौर से दीपक सिंह और अभिजीत सिंह के साथ ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। कितना बड़ा खतरा मानते हैं? नहीं देखिए, वहाँ पर सीधी सीधी लड़ाई टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तीसरा दल वहाँ पर कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस हो रहा है, हो गया मतलब ऑलमोस्ट हो गया, उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचारधारा का वोट बैंक वहां पर एक खड़ा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अपने फेस की बात कही है, साधारणतया भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों में जहां हमारी सरकारें नहीं रही वहां कोई फेस हमने रखा नहीं, जहां सरकारें नहीं, जैसे पिछला चुनाव अगर आप देखें तो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, हमने कोई फेस नहीं, हरियाणा का कोई चांस था हमने वहां पर कोई फेस नहीं दिया, उत्तराखंड में हम लगातार आ रहे थे वहां हमने कोई फेस नहीं। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी फेस हमारी भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे फेस। आपने कहा कि जवाब तो मैं दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट विचारधारा के ऊपर रहता, व्यक्ति के ऊपर नहीं रहता। हमें जब बचपन में जब संस्कार दिए तो इस प्रकार के दिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ये हमने हमारे संस्कार है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ये अपने आप में एक सम्मान है। यदि मुझसे कहे कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं और उमेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तो बड़ा कौन है? उमेश बड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग एक राजनीतिक दल नहीं, पटवाजी ने बड़ा अच्छा शब्द का सृजन किया था, पार्टी विथ डिफरेंस। हम एक परिवार है और परिवार के सदस्य में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठे, हर कार्यकर्ता को गर्व है। हम आपस में सब लोग बैठे हुए, हमारे बैठने को कोई कुछ भी कह सकता है कि यार बाबू सिंह जी मुझसे सीनियर है, मुझे अंगली पकड़ के चलना सिखाया और देखो बाबू सिंह जी पकड़ के बैठे हुए और कैलाशी पत्रकार परिषद कर रहे हैं। देखिए भाई, ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ सबको अवसर है और मेरा ऐसा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को समझता है वो तो साधारणतया ऐसे प्रश्न नहीं करता, क्योंकि ये बात सही है कि सिंधिया जी लंबे समय से कांग्रेस पर है, पर आप उनके परिवार की पृष्ठभूमि देखें तो हिंदू महासभा, फिर कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, एक पुराना संबंध भारतीय जनता पार्टी परिवार, उनकी बुआ जी, दो बुआ। तो एक मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में समरस होने में कुछ ज्यादा समय लगेगा। मैं इसका एक उदाहरण बताऊं, आप सब जानते हैं कि मेरे और सिंधिया जी की क्या संबंध, पर मेरी अनुपस्थिति में भी वो घर गए और बच्चों के साथ बैठे और मेरा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। मैं बहुत आवश्यक मीटिंग में मुझे मकान जाना था तो मैंने फोन किया उनको कि आप घर तो आ रहे हैं पर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता मकान बुला रखे हैं और मैं नहीं जाऊँगा तो
जरा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बंगाल बड़ा लंबा प्रदेश है, बहुत ऐसा लंबा भौगोलिक स्थिति, तो 1000 किलोमीटर दूर से कार्यकर्ता, दार्जिलिंग 1000 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 900 किलोमीटर, तो ऐसा मैंने कहा कि मेरा नहीं जाने से थोड़ा सा ठीक है, मैं नहीं बुलाया। अरे बोले नहीं, तो मेरा घर है, आपके होने नहीं होने से क्या फर्क है, और उसके ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में हम लोग जब काम करते हैं तो हार जीत को हम बड़े खिलाड़ी भावना से लेते हैं, और इसलिए ऐसा कोई इज्जत वाला प्रश्न नहीं, पर हाँ नीति और अनीति के बीच में अंतर करने का बालू जी एक अवसर मिलता है। एक मिनट, जरूरी क्वेश्चन केला जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वह बीजेपी में तो है, लेकिन बीजेपी के जो नेता उससे उनके ऊपर। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, मैंने अपने बात की शुरुआत में कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी कॉम्पिटेंट नहीं है, प्रदेश का नेतृत्व भी कॉम्पिटेंट नहीं है। जो लोग नई उम्र के, उन्हें अपना भविष्य कांग्रेस में दिखाई नहीं है, उन्हें से बहुत सारे नए लोग जो कांग्रेस में परंपरागत तरीके से पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वो हमारे संपर्क में, बहुत सारे लोग संपर्क में, और इसलिए कांग्रेस जैसे मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस शून्य देश हो जाएगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता कि कांग्रेस मुक्त देश हो जाएगा। अभी विधायक आने वाले बीजेपी पहले लगातार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।